वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐतिहासिक दिन है मैलानी वासियों के लिए, लखीमपुर वासियों के लिए और सीतापुर मैलानी रेलखंड की अगर हम बात करें उनके लिए, क्योंकि आज सीतापुर जंक्शन से आगे पहली बार विद्युत लोको से रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया जा रहा है लखनऊ जंक्शन से मैलानी जंक्शन तक। और 05088 को आज विद्युत लोको लगा करके यहाँ से रवाना किया जाएगा लखनऊ जंक्शन से। और विद्युत लोको लग चुका है, तो चलिए देखते हैं कौन सा लोको लगा है आज इस ट्रेन में, आपको दिखाते हैं उसकी झलक। तो 05088 की झलक से पहले हम 05087 जो ये ट्रेन मैलानी जंक्शन से चलकर लखनऊ जंक्शन जा रही है आखिरी बार डीजल लोको के साथ आज चल रही है। कल से ये ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ आएगी, क्योंकि दिन में 05088 जो इलेक्ट्रिक लोको के साथ मैलानी जाएगी वही कल वापस होगी सुबह। तो डीजल का ये आखिरी रन है। तो एक झलक इसकी भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसी ट्रेन से छोटी सी यात्रा करके हम लोग लखनऊ जंक्शन पहुँचे, जहाँ से वापसी में 05088 में पहली बार जो विद्युत लोको लगा उसका फुटेज हमने लिया, उसका वीडियो शूट किया यहाँ से, जिसको हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। और बहुत सारे रेल फैंस, यूट्यूबर्स भी आज लखनऊ जंक्शन पहुँचे थे, जिनसे मुलाकात हुई, तो उसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी जो हम लोगों ने ली, कुछ मस्ती भी की, बातें की, तो वो वीडियो के लास्ट में मैं फ़ोटोग्राफ्स भी कुछ डालूँगा मीटअप की, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो सामने देखिए, ऊपर मेट्रो का स्टेशन है लेफ्ट हैंड पर, और सामने आ रहा है लखनऊ जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिस तरफ हमारी ट्रेन जा रही है। और जो ये लोको आप सामने से आता हुआ देख रहे हैं WAG 5P, यही लोकोमोटिव लगने जा रहा है 05088 में, जब ये ट्रेन यहाँ से वापस अपनी जर्नी करेगी मैलानी जंक्शन की दिशा में। तो एक झलक लखनऊ जंक्शन की छोटी सी, और लास्ट अराइवल है यहाँ आज डीजल लोकोमोटिव के साथ 05087 का, उसकी हम आपको अंतिम झलक, फाइनल जो एक कहते हैं ग्लिम्प्स दिखाएंगे, क्योंकि इसके बाद कल से ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ संचालित होगी मैलानी जंक्शन से लखनऊ के बीच में। तो डीजल लोकोमोटिव, फिर आपको EMD लोकोमोटिव्स जो हमारे हैं WDP 4D, ये देखने को नहीं मिलेंगे लखनऊ मैलानी रेलखंड पर। हो सकता है कभी किसी विशेष इमरजेंसी में लोको चले जाएं, लेकिन यात्री गाड़ियां अब विद्युत लोको से चलेंगी। तो ये उसकी अंतिम झलक लखनऊ जंक्शन से हम आपको दिखा रहे हैं। WDP 4D लोकोमोटिव खड़ा हुआ देखिए सामने, 05087 को जो लेकर के आया है आज। तो यहाँ पर कपलिंग हो चुकी है लोको की, और जो लोको खड़ा हुआ है सामने से, हम आपको इसका अभी व्यू दिखाते हैं फ्रंट से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो उम्मीद यही थी, क्योंकि पहली बार विद्युत लोको के साथ संचालन किया जा रहा है सीतापुर जंक्शन से आगे मैलानी जंक्शन वाले हमारे रेल रूट पर, तो शायद कुछ फूल मालाओं से इसको सजा दिया जाता तो बेहतर होता विश्वकर्मा पूजा वाले दिन कम से कम। और पहली बार विद्युत ट्रेन जा रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन कोई यात्री गाड़ी मैलानी जंक्शन, तो अगर कुछ डेकोरेशन थोड़ा सा कर देते NER वाले, यहाँ पर कुछ पैसा खर्च कर देते तो बहुत अच्छा होता। अब तो मुनाफा काफ़ी हो रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, राजस्व अच्छा आ रहा है रेलवे का, जो रिकॉर्ड आ रहे हैं बराबर ट्विटर और कू पे, तो कमाई हो रही है, घाटे में नहीं जा रहे हैं आप। तो कुछ हज़ार रुपये लगते, लेकिन लोको को डेकोरेट कर देना चाहिए था कम से कम। पहला रन है आज इलेक्ट्रिक लोको के साथ, और कई सारे देखिए यूट्यूबर्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राहुल भाई हैं, मनीष भाई हैं, स्पर्श हैं हमारे, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, रिंकू भाई आए हैं सीतापुर से, तो वो लोग भी कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर देखिए इसकी पहली झलक। आर्यन प्रताप भी आए हुए हैं। तो हमारे साथ हैं स्पर्श सिन्हा, ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल के, जो कि लखीमपुर से विशेषकर ये दिन ऐतिहासिक दिन है आज कवर करने यहाँ पर आए 17 सितंबर, क्योंकि आज इनके क्षेत्र में सीतापुर जंक्शन से आगे ट्रेन जाएगी। तो कैसा लग रहा है स्पर्श भाई? देखिए, महसूस बड़ा अच्छा हो रहा है कि एक बड़ी तब्दीली होने वाली है। कहीं ना कहीं डीजल से इलेक्ट्रिक का सफ़र हमने तय किया, LCOC EMD, फिर अब आ गए इलेक्ट्रिक पे। मगर एक अफसोस ज़रूर है, पूर्वोत्तर रेलवे की जो पुरानी आदत है, मैं हर बार जिक्र करता हूँ, ना सजाया है विश्वकर्मा पूजा के दिन। हमें उम्मीद थी कि कम से कम लोकोमोटिव को सजाया जाएगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं पैसेंजर लगा देते लोकोमोटिव तो ज़्यादा बेहतर होता, पहले दिन तो लगा ही सकते थे।
तो ट्रेन ने अपना डिपार्चर ले लिया है, एक छोटी सी झलक, क्योंकि विद्युत लोको से पहली बार मैलानी जंक्शन जा रही है ट्रेन, तो यहाँ से छोटी सी एक झलक ट्रेन के डिपार्चर से ऐशबाग की दिशा में चलते हुए, और उसके बाद अपने होम स्टेशन मोहिबुल्लापुर से इसका पहला डिपार्चर हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, बने रहिएगा। और कुछ फोटोग्राफ्स जैसा मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में मैंने डाली हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो 05088 का ई लोको के साथ पहला डिपार्चर मेरे अपने होम स्टेशन मोहिबुल्लापुर से।